जय वीर हनुमान। सुग्रीव और बाली दोनों ब्रह्मा के औरस पुत्र हैं और ब्रह्मा जी की कृपा बाली पर सदैव बनी रहती है। जब बाली को ब्रह्मा जी से ये वरदान प्राप्त हुआ कि जो भी उससे युद्ध करने उसके सामने आएगा उसकी आधी ताकत बाली के शरीर में चली जाएगी और इससे बाली हर युद्ध में अजय रहेगा। बाली को अपने बल पर बड़ा घमंड था। उसका घमंड तब और भी बढ़ गया जब उसने करीब करीब तीनों लोकों पर विजय पाए हुए रावण से युद्ध किया और रावण को अपनी पूंछ से बांधकर 6 महीने तक पूरी दुनिया घूमी। रावण जैसे योद्धा को इस प्रकार हराकर बाली के घमंड की कोई सीमा न रही। अब वो अपने आप को संसार का सबसे बड़ा योद्धा समझने लगा था और यही उसकी सबसे बड़ी भूल हुई। अपने ताकत के मद में चूर एक दिन एक जंगल में पेड़ पौधों को तिनके के समान उखाड़ फेंक रहा था। हरे भरे वृक्षों को तहस नहस कर दे रहा था। अमृत समान जल के सरोवरों को मिट्टी में मिलाकर कीचड़ कर दे रहा था। एक तरह से अपने ताकत के नशे में बाली पूरे जंगल को उजाड़ कर रख देना चाहता था और बार बार अपने से युद्ध करने की चेतावनी दे रहा था। है कोई जो बाली से युद्ध करने की हिम्मत रखता हो, जो बाली से युद्ध करके बाली को हरा दे? इस तरह की गर्जना करते हुए बाली उस जंगल को तहस नहस कर रहा था। संयोगवश उसी जंगल के बीच में हनुमान जी राम नाम का जाप करते हुए तपस्या में बैठे थे। बाली की इस हरकत से हनुमान जी को राम नाम का जाप करने में विघ्न लगा और हनुमान जी बाली के सामने जाकर बोले, हे वीरों के वीर, हे ब्रह्मांश, हे राजकुमार बाली, क्यों इस शांत जंगल को अपने बल की बलि दे रहे हो? हरे भरे पेड़ों को उखाड़ फेंक रहे हो, फलों से लदे वृक्षों को मसल दे रहे हो, अमृत समान सरोवरों को दूषित मलिन मिट्टी से मिलाकर उन्हें नष्ट कर रहे हो। इससे तुम्हें क्या मिलेगा? तुम्हारे औरस पिता ब्रह्मा के वरदान स्वरूप कोई तुम्हें युद्ध में नहीं हरा सकता, क्योंकि जो कोई तुमसे युद्ध करने आएगा उसकी आधी शक्ति तुम में समाहित हो जाएगी। इसलिए हे कपि राजकुमार, अपने बल के घमंड को शांत कर और राम नाम का जाप कर। इससे तेरे मन में अपने बल का भान नहीं होगा और राम नाम का जाप करने से ये लोक और प्रलोक दोनों ही सुधर जाएंगे। इतना सुनते ही बाली हनुमान जी से बोला, ए तुच्छ वानर, तू हमें शिक्षा दे रहा है। राजकुमार बाली को, जिसने विश्व के सभी योद्धाओं को धूल चटाई है और जिसके एक हुंकार से बड़ा पर्वत भी खंड खंड हो जाता है, जा तुच्छ वानर जा और तू ही भक्ति कर अपने राम की। और जिस राम की तू बात कर रहा है वो है कौन, केवल तू ही जानता है राम के बारे में। मैंने आज तक किसी के मुंह से ये नाम नहीं सुना और तू मुझे राम नाम जपने की शिक्षा दे रहा है। हनुमान जी ने कहा, प्रभु श्री राम तीनों लोकों के स्वामी हैं, उनकी महिमा अपरंपार है। ये वो सागर है जिसकी एक बूंद भी जिसे मिले वो भव सागर को पार कर जाए। बाली बोला, इतना ही महान है राम तो बुला जरा, मैं भी तो देखूं कितना बल है उसकी भुजाओं में। बाली को भगवान राम के विरुद्ध ऐसे कटु वचन हनुमान जी को क्रोध दिलाने के लिए पर्याप्त थे। हनुमान जी ने कहा, ए बल के मद में चूर बाली, तू क्या प्रभु राम को युद्ध में हराएगा? पहले उनके इस तुच्छ सेवक को युद्ध में हरा कर दिखा। बाली बोला, तब ठीक है, कल के कल नगर के बीचों बीच तेरा और मेरा युद्ध होगा। हनुमान जी ने बाली की बात मान ली। बाली ने नगर में जाकर घोषणा करवा दिया कि कल नगर के बीच हनुमान और बाली का युद्ध होगा। अगले दिन तय समय पर जब हनुमान जी बाली से युद्ध करने अपने घर से निकलने वाले थे, तभी उनके सामने ब्रह्मा जी प्रकट हुए। हनुमान जी ने ब्रह्मा जी को प्रणाम किया और बोले, हे जगत पिता, आज मुझ जैसे एक वानर के घर आपका पधारने का कारण अवश्य ही कुछ विशेष होगा। ब्रह्मा जी बोले, हे अंजनी सुत, हे शिवांश, हे पवन पुत्र, हे राम भक्त हनुमान, मेरे पुत्र बाली को उसकी उदंडता के लिए क्षमा कर दो और युद्ध के लिए न जाओ। हनुमान जी ने कहा, हे प्रभु, बाली ने मेरे बारे में कहा होता तो मैं उसे क्षमा कर देता, परंतु उसने मेरे आराध्य श्री राम के बारे में कहा है जिसे मैं सहन नहीं कर सकता। बाली ने मुझे युद्ध के लिए चुनौती दी है जिसे मुझे स्वीकार करना ही होगा, अन्यथा सारे विश्व में ये बात कही जाएगी कि हनुमान कायर है, जो ललकारने पर युद्ध करने इसलिए नहीं जाता है क्योंकि एक बलवान योद्धा उसे ललकार रहा है। तब कुछ सोचकर ब्रह्मा जी ने कहा, ठीक है हनुमान जी, पर आप अपने साथ अपनी समस्त शक्तियों को साथ न लेकर जाएं।
केवल दसवां भाग का बल लेकर जाएं, बाकी बल को योग द्वारा अपने आराध्य के चरणों में रख दें तथा युद्ध से आने के उपरांत फिर से उसे ग्रहण कर लें। हनुमान जी ने ब्रह्मा जी का मान रखते हुए वैसे ही किया और बाली से युद्ध करने घर से निकल गए। बाली नगर के बीच में एक जगह को अखाड़े में बदल दिया था और हनुमान जी से युद्ध करने को व्याकुल होकर बार बार हनुमान जी को ललकार रहा था। पूरा नगर इस अद्भुत और दो महायोद्धाओं के युद्ध को देखने के लिए जमा था। हनुमान जी जैसे ही युद्ध स्थल पर पहुंचे, बाली ने हनुमान को अखाड़े में आने के लिए ललकारा। ललकार सुनकर जैसे ही हनुमान जी ने एक पांव अखाड़े में रखा, उनकी आधी शक्ति बाली में चली गई। बाली में जैसे ही हनुमान जी की आधी शक्ति समाई, बाली के शरीर में बदलाव आने लगे। उसके शरीर में ताकत का सैलाब आ गया। बाली का शरीर बल के प्रभाव में फूलने लगा। उसका शरीर फटकर खून निकलने लगा। बाली को कुछ समझ नहीं आ रहा था। तभी ब्रह्मा जी बाली जी के पास प्रकट हुए और बाली को कहा, पुत्र जितना जल्दी हो सके यहाँ से दूर, अति दूर चले जाओ। बाली को इस समय कुछ समझ नहीं आ रहा था। उसने ब्रह्मा जी की बात को सुना और सरपट दौड़ लगा दी। 100 मील से ज़्यादा दौड़ने के बाद बाली थक कर गिर गया। कुछ देर बाद जब होश आया तो अपने सामने ब्रह्मा जी को देखकर बोला, ये सब क्या है? हनुमान से युद्ध करने से पहले मेरा शरीर का फटने की हद तक फूलना, फिर आपका वहाँ अचानक आना और ये कहना कि वहाँ से जितना दूर हो सके चले जाओ, मुझे कुछ समझ नहीं आया। ब्रह्मा जी बोले, हे पुत्र, कि जब तुम्हारे सामने हनुमान जी आए तो उनका आधा बल तुम में समा गया, तब तुम्हें कैसा लगा? बाली बोला, मुझे ऐसा लगा जैसे मेरे शरीर में शक्ति की सागर लहरें ले रहा है। ऐसे लगा जैसे इस समस्त संसार में मेरे तेज का सामना कोई नहीं कर सकता, पर साथ ही साथ ऐसा लग रहा था जैसे मेरा शरीर अभी फट जाएगा। ब्रह्मा जी बोले, हे बाली, मैंने हनुमान जी को उनके बल का केवल दसवां भाग ही लेकर तुमसे युद्ध करने को कहा, पर तुम तो उनके दसवें भाग के आधे बल को भी नहीं संभाल सके। सोचो, यदि हनुमान जी अपने समस्त बल के साथ तुमसे युद्ध करने आते तो उनके आधे बल से तुम उसी समय फट जाते। इतना सुनकर बाली पसीना पसीना हो गया और कुछ देर सोचकर बोला, प्रभु, यदि हनुमान जी के पास इतनी शक्तियां हैं तो वो इसका उपयोग कहाँ करेंगे? ब्रह्मा जी ने कहा, हनुमान जी कभी भी अपने पूरे बल का प्रयोग नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ये पूरी सृष्टि भी उनके बल के दसवें भाग को नहीं सह सकती। ये सुनकर बाली ने वहीं से हनुमान जी को दंडवत प्रणाम किया और बोला, जो हनुमान जी इनके पास अथाह बल होते हुए भी शांत और राम भजन गाते रहते हैं, और एक मैं हूँ जो उनके एक बाल के बराबर भी नहीं हूँ और उनको ललकार रहा था, मुझे क्षमा करें। आत्मग्लानी से भरकर बाली ने राम भगवान का तप किया और अपने मोक्ष का मार्ग उन्हीं से प्राप्त किया। बोलो वीर बजरंग बली हनुमान की जय।